नमस्कार, बनाजा चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो आज सीखेंगे तिल पापड़ी और तिल चिक्की। ये ठंडियों में खाने की डिश है, तो आप भी बनाइएगा तिल चिक्की और तिल पापड़ी। बनाजा चैनल पर आज सीखते हैं तिल चिक्की। उसके लिए आधा किलो गुड़ लिया है, आधा किलो तिल्ली ली है। तो 300 ग्राम ये तिल्ली खड़ी रखी है और 200 ग्राम पीस ली है और 3-4 चम्मच घी लिया है, शुद्ध देसी घी गुड़ को पिघलाने के लिए। ये खड़ी तिल्ली है, इसको भून लिया है। भूनना ऐसे है जैसे जब तक ये चटक नहीं जाए, चटकना बंद हो जाए तो समझ लेना तिल्ली भुन चुकी है, तिल हमारे तैयार हैं। इसके लिए ये ऐसी पॉलिथीन भी ज़रूरी है। इसमें ऑयल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, घी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो रिफाइंड ऑयल लगा के इसको तैयार कर लेंगे। बेलन को भी ऑयल लगा के तैयार कर लेंगे। इसको पहले तैयार करके रख लेंगे, उसके बाद चाशनी बनाएंगे। गैस को जला दिया है, कढ़ाई गर्म हो रही है। अब इसमें घी को पिघलाएंगे। घी को पिघलने देंगे। गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गुड़ डाल देंगे इसमें। गुड़ को फोड़ लेना है, बारीक करना है, बड़े बड़े ढिल्ले नहीं रखना है, जिससे चाशनी जल्दी बन जाएगी टूटे हुए गुड़ से। जितना बारीक कर पाए उतना बारीक करके तोड़ लें, इससे चाशनी का कलर भी चेंज नहीं होता, वाइट बनता है। कभी घी में नहीं पिघले चाशनी तो थोड़ा छींटा पानी का भी लगा देंगे। इसको पिघलने देंगे। चलाते हुए इसको पिघलाएंगे। गुड़ पिघल चुका है इस तरह से। इसकी चाशनी थोड़ी कड़क बनेगी, पानी में डाल के देख लेंगे। जब टूटने लगे तो समझ लेना चाशनी तैयार है। इस एक दो बूंद टपका के इसमें देखेंगे, ठंडा होने देंगे इसको। अभी नहीं बनी है, ये ऐसी खिंच रही है, टूटना चाहिए। अभी थोड़ा एक दो मिनट और लगेगा। आप लोग ज़रूर बनाएं, ठंडी में बहुत फ़ायदा करती है चिक्की, इसमें कैल्शियम भरपूर है। जब मन हो तब बनाइए और खाइए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाज़ार में तो बहुत मिलती है, लेकिन घर की चिक्की की बात ही अलग है, शुद्ध रहती है, क्या डाला हमने सब पता रहता है। इसलिए आप घर में बनाएं और खाएं और खिलाएं। एक दो मिनट और पकने देंगे। चाशनी हमारी टूटनी चाहिए, पानी में ठंडा करके देखेंगे उतनी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी हमारी तैयार है, इस तरह की होनी चाहिए। ये मैंने पानी में डाल दी है, ये देखिए बोल रही है, आराम से ठंडी होगी और टूटेगी भी। ये देखिए आवाज़ आ रही, इस तरह की चाशनी जमनी चाहिए। तैयार है हमारी चाशनी। अब इसमें हम
तिल्ली डाल देंगे, खड़ी वाली पहले, इसको मिला देंगे। इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसमें पिसी हुई भी आपकी इच्छा है तो डालो, नहीं अगर डालना तो नहीं डालो। मैं थोड़ी सी पिसी हुई भी मिला रही हूँ। पेस्ट को तैयार कर लेंगे पूरा फटाफट। गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे, लो फ्लेम रखेंगे बिल्कुल। इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसको पॉलिथीन पर पलट लेंगे, आराम से पलट लेंगे और इसको बेलेंगे बेलन से। आराम से बेल लेंगे। इसको पॉलिथीन से दबा दबा कर तैयार कर लेंगे चारों तरफ से, फिर बेलन से बेल देंगे। इस तरह से बेल देंगे, इससे हमारी चिक्की अच्छी जमेगी। चारों तरफ से बेल लेंगे। पॉलिथीन एक ऊपर से पलट लेंगे जिससे बेलन में भी चिपके नहीं। आराम से बेलेंगे, टेंशन नहीं लेना, वो आराम से गर्म रहती है तो आराम से बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जितनी पतली आपको बनाना है उतनी पतली बेल लीजिए। मोटी रखना है तो मोटी रखिए और पतली बेलना हो तो पतली रखिए। अच्छे से बेल के तैयार कर लेंगे। इसकी किनारी जो टेढ़ी मेढ़ी हैं उनको काट के अलग रख देंगे। इसको भी बाद में फिर से गर्म करके चाहे तो लड्डू बना लो, चाहे फिर से चिक्की जमा लेना। इस तरह से अलग से काट के निकाल देंगे, फिर इनको चौकोर काट के पीस बना देंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे हल्का सा, फिर पीस बना देंगे। इतनी अच्छी बनी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। जब भी मीठा खाने का मन हो बना सकते हैं। ठंडियों में ये बहुत ही फ़ायदा करती है क्योंकि ये गर्म होती है। कभी कहीं बाहर जाना है तो बना के ले जाइए, ख़राब नहीं होगी। बहुत अच्छी चिक्की जमी है और जो एक्स्ट्रा है उसको फिर से पिघलाकर और पतली बेलकर बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी चिक्की हमारी बनी है, कितने अच्छे पीस बने हैं। देखिए सॉफ्ट भी है, अच्छी बनी है। इस तरह से सारे पीस काट के निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बनाकर खा के देखें, पसंद आए, अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपकी भी चिक्की इसी तरह की बनेगी। ज़रूर बनाइए और खाइए ठंडी में और लोगों को खिलाइए। बहुत ही अच्छी टेस्टी और स्वादिष्ट चिक्की तैयार हुई है। ये हमारी कतरन जो बची थी उसमें थोड़ा गुड़ डालकर इसको पिघला लिया है।
अब इसकी बिल्कुल पतली चिक्की बेलेंगे। उसी पॉलीथिन पर तेल लगाकर पतली वाली चिक्की बनाएंगे। ये भी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी बची हुई है जो। इसका भी यूज हो गया है, आप भी बनाइए इसी तरह से। इसको भी मैंने निकाल लिया है पॉलीथिन पर। ये मटेरियल थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम इसको भी बेल देंगे। इसको पतला बेलेंगे जो पापड़ की तरह तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी है, आप ठंड में खाइएगा ज़रूर। तिल गुड़ आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। एक बार बनाइए, ये बचे हुए मटेरियल से बनाया है। अब इसको बेल देंगे, इतनी पतली बेलना है। इसको तिल पापड़ी बोलते हैं। इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है गुड़ डालने से, हल्का सा डार्क हुआ है तिल चिक्की से। आप भी इसी तरह बनाइए, आपकी भी दो चीज़ें बनेंगी, एक तिल पापड़ी और तिल चिक्की। इसको भी चौकोर चौकोर काट कर तैयार कर लेंगे। ये तिल चिक्की बनाई है, इससे बचा हुआ मटेरियल का हमने तिल पापड़ी बनाई है। इसमें थोड़ा गुड़ और मिला के तैयार की थी। ये भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप देखिए, मैं तोड़ के बताती हूँ कितनी अच्छी बनी है। आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। चिक्की बनकर हमारी तैयार है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना है, तोड़ के बताती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर बनी है, खाने में भी पौष्टिक। आप लोग ज़रूर बनाइए और खिलाइए।